तो यदि मैं आपको ये सब आसान दे रहा हूं तो आपको भटकने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को आदेश मानकर पालन करूंगा। जी नहीं, आदेश में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जी और 50-60 बीघे जमीन करता हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ जी मैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, मेरा एक वो बुलंदशहर में एक थोड़ी सी जगह थी। जी अब वो चार तीन चार मुसलमान और एक राजपूत, जी उन्होंने उस पर बाउंड्री कर दी। अब मैंने आपकी कोतवाल से आपकी कहा, आपकी जगह आपकी जमीन पे उन्होंने बाउंड्री कर दी, हाँ तो जमीन आपने मेरे नाम। आपने उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया कि उन्होंने आपकी जमीन में इनक्रोच किया है और उनको केस रजिस्टर करें और जो ना उसको बाउंड्री को गिरा दें, उसमें क्या दिक्कत है? या बाउंड्री बनी रहे, साहब आप आ, 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 आपकी बाउंड्री बन गई अच्छी फ्री में, क्या दिक्कत है? मालिक आप रहे हैं। वो तो कुर्सी ललार के उसमें ही बैठ जाते हैं सुबह को, और मैं जाता हूँ नहीं तो जितनी तो बार वो बच्चे अंदर लेके। घुसे हैं, इट इज ए इनक्रोचमेंट अंडर सेक्शन जो है 447, 448 वगैरह में, आईपीसी में जो अपराध है वो, तो उस अपराध की जो है ना आप रिपोर्ट करोगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट तो पुलिस सुनेगी नहीं। हाँ नहीं सुन रही जी, कोतवाल साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो यदि हम जो है ये 9 दिन का व्रत कर लें तो 10वें दिन कोतवाल साहब तो छोड़ो, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। हाँ तो ये और दस मैं यदि हम ये 10 दिन का उपाय कर लें तो सभी सभी उपाय अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ना, सही बात है। तो आप जो है, चूंकि आपके साथ प्रॉब्लम है, तो जो आप आवेदन लगा सकते हो उसमें जो मेरी मदद मिल सकती है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ लेकिन वो सतही होगी। देखो वो आपकी हाँ उतनी ही बात मानेंगे जितना उनके लाभ की है। हाँ यदि किसी राजनेता का दबाव है तो वो आपकी और आपके मैथिली शरण गुप्त की बात क्यों मानेंगे? ना, राजनेता कोई नहीं है इसमें, तो बस वो ही है कि पैसे का जो लेन है देन है तो पैसे का भी कोई लेन देन नहीं है उसमें। ये है, फिर केस उन्होंने रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है पुलिस? उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर पुलिस रही है? वो ये आपके एरिया में घुस के जो है ना कुर्सी डाल के कैसे बैठ रहे हैं? ऐसा है, वो जो आदमी है उसने इतना दबाव बना रखा है कि 4-6 गाड़ी तो लेके चलता है वो, कुछ मोमेंट मैं वो ये कह रखती रहा हैं। हूँ 4-6 गाड़ियां लेके चलने का मतलब है कोई अवैध काम कर रहा है, तो उसकी हाँ जांच कर ली अवैध जाए। कर रहे हैं। माननीय जो है ना आदित्यनाथ योगी जी से कहिए कि भैया बुलडोजर चलाओ इस दुष्ट के ऊपर। अब वो बुलडोजर क्या हमारी इतनी वो सुनाई हो जाती। अब SSP साहब हैं, श्लोक कुमार हैं हमारे यहाँ IPS, तो देखो आप इसके पेपर मुझे देंगे तो मैं आपके एसएसपी साहब से भी बात कर लूंगा, लेकिन हाँ देखो पेपर भेज देखो दूंगा मैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिविजुअल मदद मिलने से कोई भला हो नहीं होना है। क्या व्यवस्था बदल जाएगी, इंडिविजुअल आपको मदद मिल जाएगी तो बताओ? ना वो तो मैं कर देखो परसों से, वो तो मैं करूंगा जो तो आपने बता दिया मैं मुझे। ये कह रहा हूं 9 दिन तक पीछे पड़ के जिनको आप जोड़ो वो आगे 10 को जोड़े और इसे फैल नहीं होने देंगे, तो 10वें दिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है झुका दूंगा और इस देश को बदल दूंगा। हाँ तो मैं इस जो है देश को परसों माननीय से नरेंद्र लग मोदी जी जाऊंगा नहीं बदल सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। मैं मतलब जो परसों गांव पहुंचूंगा सुबह, और परसों से ही अपना मिशन चालू कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो मनीष शंकर हाँ जी अब अपने नंबर से आप बात कर लीजिए, आगे की जो अपनी व्यक्तिगत बात आपकी है वो उसी पे करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करके संबंधित अधिकारी को भेज देंगे, फिर पेपर बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनसे फोन पे बात कर लेंगे और उनको जी समझा जी जी देंगे कि उनको कानूनी जिम्मेवारी है कि वो आपकी बात सुने। ठीक ये कानून ठीक में ठीक लिखा हुआ है 154(3) में, एसपी की ये कानूनी जिम्मेवारी है। ठीक है 156(3) सीआरपीसी में ये न्यायालय की जिम्मेवारी है, 482 सीआरपीसी में ये हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है, और कॉन्टेम्प्ट ठीक पिटीशन और पीआईएल के तहत जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेवारी है। तो ठीक है सर, आपकी हम मदद करेंगे, ठीक है सर। लेकिन जो है नहीं वो मैं मदद बहुत पूरी अस्थायी, अपनी एक मिनट, वो मदद बहुत अस्थायी होगी जिसका कोई सबको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सबको नहीं मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा सर। यदि हम एक छोटा काम कर लें तो हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं, छोटा काम करने में नहीं मिलेगा, हमें तो ये बनाने ही होंगे, सदस्य ये बनाने नौ दिन होंगे। बहुत छोटे होते हैं, ये 9 दिन के हाँ छोटे कार्य से हम इस देश को बदल पाएंगे।
हाँ बिल्कुल बदल जा, मतलब जो है मैं परसों पहुंच के और जो है आपकी इस उसे रिकॉर्डिंग को उन्हें सुना, हमारे एक कर्नल साहब हैं वो बहुत इस चीज में वो रुचि रखते, अभी रिटायर हुए हैं 2 साल पहले, तो उनके पास 50-40 आदमी बैठते हैं, तो हम तो अपना ऐसे ही संगठन चला रहे थे, लेकिन आप आज आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम आपके मिशन में बिल्कुल भागीदार रहेंगे हर तरह से। चलिए, तो अब जो है मणिशंकर जी, बहुत अच्छी बात हुई है चौधरी जी। हम जो है सभी किसानों को, सभी बनियों को, सभी पंडितों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर एक ऐसा अनूठा भारत बनाएंगे जिसमें संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा, जिसमें जी कोई सर, किसी के किसी अत्याचार नहीं करेगा, कोई गरीब नहीं बचेगा, सभी धनी जी हो सर, जाएंगे, सभी निरोगी हो जाएंगे, सभी दीर्घायु हो जाएंगे, और पैसे के पीछे किसी को नहीं भागना पड़ेगा। लिहाजा आपको अपने आध्यात्मिक, अपने अगले जीवन को जो है ना सार्थक करने का भी कुछ थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा। ठीक है सर जी, आपकी आपकी आत्मा जो है वो नरक नहीं जाएगी, वो बैकुंठ धाम जाएगी। ठीक है सर जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।